میرا چرار کرانے کا مقصد صرف دھن دولت نہیں انتقام ہے، اپنے بھائی پنڈت جگن ناتھ سے انتقام، سگنا سے شادی کرنے کا مقصد بھی اپنے بھائی سے انتقام تھا۔ کیونکہ سپنا اس کے بہت قریب تھی اور میں اس سے اس کی ہر خوشی چھین لینا چاہتا تھا۔ سودے کے مطابق میری بقایا مہریں کل صبح تک تیار رکھنا۔ کیونکہ کل سوریودے ہونے سے پہلے میں ستیا کو ختم کر دوں گا۔ चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी, नौगढ़ विजयगढ़ में थी तपरा नौगढ़ कथा जो राजकुमार, चंद्रकांता से करता था प्यार, चंद्रकांता से करता था प्यार। میں تم سے نفرت کرتی ہوں،
हर शाम, हर शाम मेरी नजरों के सामने से मैं करती हूँ। माने में कामयाब हो गए या नहीं? ये कैसा बेतुका सवाल है तारा? इस खंजर और शनि के तेवर से क्या साफ जाहिर नहीं होता कि शनि अपने मकसद में कामयाब हो चुका है? तारा, शनि की जीत में मेरी भी जीत शामिल है। शनि के साथ साथ आज मेरा भी वादा पूरा हुआ। शनि, को खत्म करके तुमने हमारी बिखरी हुई दोस्ती और रिश्ते को दोबारा कायम कर दिया है। शनि, कल से आज और आज से कल सभ्या की मौजूदगी से मौत का शिकंजा मेरे गिरेबान पर घसता चला जा रहा था। सभ्या को मारकर तुमने मुझे नई जिंदगी दे दी और तुमने सभ्या की हत्या करके इंतकाम की दुनिया में एक नई मिसाल कायम कर दी। तुमने ये साबित करके दिखाया कि वादे और इंतकाम के आगे बड़े से बड़ा रिश्ता भी छोटा होता है। वाह शनि वाह। शनि, हालांकि सभ्या और तुम्हारे रिश्ते का खून हो चुका है, लेकिन ये मुझे हकीकत नहीं, एक ख्वाब जैसा लगता है कि सभ्या खत्म हो चुकी है, मर चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। बर्बाद करती थी उसे मेरी रातों की नींद और छीन लिया था दिन का चैन। तुमने वो सब कुछ मुझे लौटा दिया। हाँ तारा, तुम्हें जो मिलना था वो तुमने पा लिया। अब वादे के मुताबिक अदा कर दो शनि को बाकाया रकम, ताकि सभ्या की मौत की खबर फैलने से पहले हम दोनों यहाँ से बाहिफाजत निकल सके। ऐसी भी क्या जल्दी है सुल्ताना? क्यों असगर?
हाँ, इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। बकाया रकम मेरे हवाले कर दो, वरना सभ्या वाला यही खंजर तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। हाँ तारा, अगर शनि सभ्या का खून कर सकता है तो आजगर क्या चीज है। मेरी बकाया रकम मेरे हवाले कर दो, वरना सभ्या वाला यही खंजर तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। हाँ तारा, अगर शनि सभ्या का खून कर सकता है तो आजगर क्या चीज है। अदा कर दो बाकी रकम और हमारे खैरियत से जाने का इंतजाम। शनि, आजगर को छोड़ दो, तुम्हें तुम्हारी 5,000 सोने की मोहरें मिल जाएंगी। आजगर जाओ, जाकर रकम का इंतजाम करो। तुम दोनों ने क्या सोचा था कि तारा अपने वादे से मुकर जाएगी? तारा में ये खसलत नहीं है, समझे तुम? होनी भी नहीं चाहिए। जुर्म की दुनिया में हर वादे की अहमियत होती है, क्योंकि जिंदगी दांव पे लगी होती है। अलविदा तारा। सुल्ताना, क्या शनि के साथ तुम्हारा रुखसत होना जरूरी है? हाँ, मकसद भी पूरा हो चुका है और मेरा यहाँ शनि के बिना क्या काम है? काम है शतरंज की बिसात से अभी बेगम को बर्खास्त करना है, और उसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। जरूरत पड़ेगी? मेरी जरूरत पड़ेगी? तारा, तुमने तो कहा था कि सभ्या के मरते ही कलावती को अपने आप मौत उठा ली जाएगी, फिर भी मुझे तुम्हारी जरूरत है। कलावती के खत्म होते ही मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगी सुल्ताना। शनि, ठीक है? हाँ तारा, मुझे मंजूर है। उस वक्त तक चुनारगढ़ में रहना मुझे मंजूर है। चल शनि, तारन तुम्हें बाखरे रुखसत करने का जिम्मा लिया था, वो जिम्मा मेरा भी है। चलो, कोई और बात? हाँ, वो शर्तनामा शनि को मिल जाना चाहिए। ये लो शनि, तुम्हारा शर्तनामा तुम्हारी नजर करती है। शर्तनामे की खाक की तरह सभ्या की दास्तान भी खाक हो गई। दे दो।
काश मेरी आत्मा की पुकार। महारानी, मेरी बहन आपको मुझ तक खींचे आती है। ताकि ताकि तारा की साजिशों का राज मैं आपके हवाले कर दूं। पंडित जी, आपसे तो मुझे चाहिए अपनी अंतरात्मा में चलते हुए सवाल का जवाब। बसंती जी, पंडित जी, सभ्या जैसे ही अपने कक्ष में लौटे उसे यहीं रुकने के लिए कहना। और कोई हुक्म? हाँ, उसे ताकीद करना कि हमें फौरन महारानी से मिलने के लिए चलना है। जो आज्ञा। महारानी, आप? हम सभ्या से मिलने के लिए बहुत उतावले हैं। जब हम माँ साहिबा से मिलने गए थे तभी उससे मुलाकात नहीं हुई थी। वो है अपने कक्ष में? जी नहीं महारानी, उसकी दासी के मुताबिक उसे मंदिर गए हुए काफी वक्त हो गया है और ताज्जुब की बात है कि वो अभी तक लौट के नहीं आई। कहीं कुछ अनिष्ट तो नहीं हो गया पंडित जी? हमें उसकी बहुत चिंता लगी रहती है। जी हाँ महारानी, उसका मंदिर से अभी तक ना लौटना वाकई चिंता की बात है। बल्कि मैं इसी कारणवश मंदिर की तरफ ही जा रहा था। तो हम भी चलेंगे आपके साथ। आइए। चलिए। मुझे इतनी शक्ति तो दी गई कि मैं आपके चरणों तक पहुंच गई। माँ, आज इस आखिरी वक्त मुझ तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा, क्योंकि तुम ही साक्षी हो। तुम्हारे सामने शनि के कुल से मेरी मांग भर गई। तब मैंने तुमसे पूछा था कि मैं इसे तुम्हारा आशीर्वाद समझू या अभिशाप। तभी ऐसा एक तूफान आया था, ऐसी बिजली चमकी थी और आपका आशीर्वाद एक फूल बनकर मेरी अंजलि में आ गिरा था। लेकिन मां, तुम्हारे इस आशीर्वाद को शानी ने क्यों अभिशाप में बदल दिया? क्यों शानी ने अपने खून से मेरी मांग भर के मेरा खून कर दिया? क्यों मां, क्यों? शानी ने कई बार मुझ पर घातक मार की, फिर भी मैंने उसे पति के रूप में स्वीकार किया, तुम्हारा आशीर्वाद समझ कर। मैंने उसे प्यार दिया, लेकिन उसने मुझे क्या दिया? नफरत, प्रतिघात किया मुझसे। मैं तो उसकी बुराई से भरी जिंदगी संवारने चली थी, लेकिन मुझे मिला क्या माँ? बेकार जिंदगी। माँ, आपको मैं यही समझ कर दम तोड़ूंगी कि अच्छाई की उम्र छोटी होती है और बुराई की उम्र उससे कहीं ज्यादा। आपकी आंखों में आंसू देखकर मेरे सवाल का जवाब मिल गया। लेकिन मरने से पहले माँ, मैं आपके चरणों में